हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको आपके ब्लॉगर ब्लॉग से लिंक विथ इन वाइटजेक की लिंक कैसे हटाते हैं वो बताने वाला हूँ। ये लिंक विथ इन वाइटजेट है जो कि आपके ब्लॉगर में रिलेटेड पोस्ट जो रहती है वो शो करता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से शो करता है। लिंक विद इन वाइडजेट है जो इस तरह से शो करता है। तो इसे रिमूव करने, ये लिंक है लिंक विद इन वाइडजेट की, इसे कैसे रिमूव करेंगे आपके ब्लॉगर से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते कैसे ये लिंक डायरेक्ट लिंक विद इन .com पे खुलती है। तो ये ऐसा ना हो जो कि आपके ब्लॉगर से ब्लॉगर ब्लॉग से ये लिंक विद इन वाइडजेट की लिंक हट जाए और सिर्फ यही आपको दिखाई दे। तो ये कैसे रिमूव करते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको आपके ब्लॉगर कंट्रोल पैनल में जाना है। आपके ब्लॉग में जाके आपको ब्लॉग के कंट्रोल पैनल में जाके आपको टेम्पलेट में जाना है और कस्टमाइज पे क्लिक करना है आपको। कस्टमाइज पे कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद ये ब्लॉगर टेम्पलेट डिज़ाइन रहेगा। तो इसमें आपको एडवांस पे क्लिक करना है। नहीं, सॉरी, आपको एडवांस पे क्लिक करना है। आपको एडवांस पे, एडवांस में क्लिक करने के बाद आपको ये आगे एड CSS पे क्लिक करना है और इस बॉक्स में आपको ये जो कोड है देख लीजिए, इस कोड को देख लीजिए आप ध्यान से। इस कोड को आपको एड CSS में पेस्ट करना है और अप्लाई टू ब्लॉग पे बटन पे क्लिक करना है। आपका ब्लॉग आप व्यू करेंगे। तो ये देखिए, लिंक विद इन वाइडजेट की जो लिंक थी वो हट गई है पूरी तरह से, देखिए। और यहाँ देखिए ये लिंक कैसी दिख रही है यहाँ पे नीचे। तो ये यहाँ से पूरी तरह हट गई है इस कोड के पेस्ट हो जाने के बाद। मैं फिर से आपको बताता हूँ,
आपको टेम्पलेट में क्लिक करना है, टेम्पलेट पे क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद एडवाइस पे क्लिक करना है और ये नीचे ऐड सीएसएस पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है ऐड कस्टम सीएसएस के बॉक्स में और अप्लाई टू ब्लॉक करना है। तो ये लिंक विथ इन जो है वाइडजेट की लिंक यहाँ पे शो नहीं करेगी, आपके ब्लॉक पे डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।